मेरे प्रिय मित्र, क्रूस पर बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको और आपके परिवार के लोगों को अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। हमारा परमेश्वर हम लोगों से आज बातचीत करना चाहता है। हम लोग आइए परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं और देखें कि आज वो हम लोगों से क्या कहना चाहता है। हम लोग देखें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 32 और 33, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, वे अन्य दो को भी जो अपराधी थे उसके साथ मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने उसे और उसके साथ दो अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर दूसरे को बाईं ओर। ये क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाए जाने का दृश्य है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 39 से 43 पद में लिखा हुआ है, जो वहां लटकाए गए थे उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है, और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस वाणी में से यह दूसरा वचन, दूसरी क्रूस वाणी उस डाकू के लिए तो प्रतिज्ञा थी ही, हमारे लिए भी एक प्रतिज्ञा है, बल्कि एक अद्भुत प्रतिज्ञा है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसके द्वारा वो डाकू पापी अवस्था से स्वर्ग राज का वारिस बन गया। यहाँ पर हम लोग दो क्रूस यीशु मसीह के अगल बगल में देख रहे हैं। एक क्रूस पर ऐसा डाकू था जो यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था, उसकी ठट्ठा कर रहा था, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो था, दूसरा डाकू, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था, उस पर विश्वास कर रहा था। और हम लोग उन दोनों के कथनों से जान सकते हैं कि एक अविश्वासी था और एक विश्वासी था। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो अविश्वासी है, क्यों अविश्वासी है? आज भी बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और वे भी यीशु मसीह की ठट्ठा करते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। और यहाँ पर हम लोग दूसरा कुरंथियों, पहला कुरंथियों अध्याय 1 पद 18 में हम लोग देख सकते हैं कि क्यों वे लोग अविश्वासी हैं और क्यों वे लोग ठट्ठा उड़ाते हैं। और वो डाकू जो पश्चातापी डाकू नहीं था, हंसी और ठट्ठा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह की, वो क्यों ऐसा कर रहा था? पहला कुरंथियों अध्याय 1 पद 18 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा जो लोग नाश होने वाले हैं, जो अविश्वासी हैं, उनके लिए मूर्खता है। उस डाकू के लिए भी जो ठट्ठा कर रहा था, हंसी उड़ा रहा था, उसके लिए भी मूर्खता थी, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ करके प्रार्थना किया कि हे पिता, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, उसके लिए वो मूर्खता नहीं थी। और हम लोग ये हम लोगों के सामने प्रश्न उठता है कि ये वो लोग क्यों मूर्खता उन लोगों के लिए है, क्यों वो लोग हंसी कर रहे हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं? तो बाइबल इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देती है, और वो हम लोगों को मिलता है दूसरा कुरंथियों अध्याय 1 पद 4 में। वहाँ लिखा हुआ है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने अंधा कर दिया है, कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को न देख सकें। कहने का मतलब है कि दो प्रकार के लोग हैं, एक लोग अविश्वासी हैं और दूसरे विश्वासी हैं। और जो लोग अविश्वासी हैं, उन लोगों के आत्मिक आँखों को, उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है, और इसी के लिए यीशु मसीह के तेजोमय रूप को, परमेश्वरत्व को वे लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जैसा हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो डाकू था, पश्चातापी डाकू था, उसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया। हम लोगों को देखना है कि हम लोग
किन लोगों के समूह में आते हैं? उस डाकू के समूह में आते हैं जो अविश्वासी था, जो यीशु मसीह की ठट्ठा कर रहा था, जिसके लिए क्रूस की कथा मूर्खता थी, या उस डाकू के समूह में आते हैं जिसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, उस पर विश्वास किया और उसको एक अनमोल या अद्भुत प्रतिज्ञा मिली कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो हम लोग परमेश्वर के साथ में हमेशा रहेंगे, और उसके लिए हम लोगों को उस पश्चातापी डाकू के समान विश्वास के साथ यीशु मसीह के क्रूस तले आना होगा। तब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में रहेंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।